क्लास 11 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, आज आपको मैथमेटिकल इंडक्शन था लास्ट में, आपका पिछला जो चैप्टर था चैप्टर 4। तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है चैप्टर 4, चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ये जो वर्ड है कॉम्प्लेक्स, आपको मालूम है कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि मिला जुला के बना देना, यानी बहुत सारी चीज़ कंबाइन हो जाती है ना, हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। जैसे आप देखते होंगे तो किसी बहुत बड़े बिल्डिंग को अपन बोलते ले जाते कॉम्प्लेक्स बने, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि बहुत सारे रूम्स हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं उस, ठीक है, बहुत सारे इसमें रूम्स हैं, मिला करके हम बना देते हैं कोई बड़ी चीज़, तो होता है कॉम्प्लेक्स। मैथमेटिक्स में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मतलब है नंबरों को मिलाने से। देखो जैसे आपको मालूम होगा सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, ओके, फिर हम किस में आते हैं होल नंबर में आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखो अपन आते हैं इंटीजर्स में, ठीक है, फिर और पढ़ोगे तो आ जाओगे इसमें इंटीजर के बाद आ जाएगा रेशनल नंबर, ये आ गया रेशनल नंबर, ठीक है, और आगे बढ़ोगे तो रेशनल नंबर के बाद आएंगे रियल नंबर, और फिर हम और आगे बढ़ेंगे तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा ये आ जाएंगे जेड, तो जेड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से देख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर या इसको अपन बोलते हैं नंबर सिस्टम। व्हाट इज द नंबर सिस्टम, तो दिस इज द नंबर सिस्टम, एन इज द सबसेट ऑफ डब्ल्यू, इज द सबसेट ऑफ आई, इज द सबसेट ऑफ आर, इज द सबसेट ऑफ जेड, दिस इज द नंबर सिस्टम। ओके, तो देखो तो जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर सारे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है ना। आप सबसे पहले उसमें अपन डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी भी जो डिफिनेशन है इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो अपन स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो नाउ हियर ए प्लस आई बी, दिस टाइप ऑफ नंबर इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स नंबर, denoted by z. Z is equal to a plus ib is the complex number where a and b are the real parts. A are the real parts of z and b is called the imaginary part of z. B is called the imaginary part of z. ठीक है, तो ये complex, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं एक नया आपको word आ रहा है imaginary. What is the imaginary? What is the imaginary? ठीक है, तो भाई यहाँ मुझे imaginary है means i. ये जो इमेजनरी है भाई आई क्या है, तो अब अपन थोड़ा सा जाएंगे आई, तो व्हाट इज आई, आई एक्चुअली होता क्या है। जैसे देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई ये 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर हम बता सकते हैं ना, आप भी बता सकते हो आपके कोर्स में था, तो आप सीधा बोलोगे भाई 2 हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाई स्क्वायर रूट माइनस 4 है ये क्या होगा, तो माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, हम उसको नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ के अंदर माइनस घुसा हुआ है, रूट के अंदर माइनस है, इसलिए हमको लगेगा कि यार माइनस 4 का क्या होगा। तो भाई जो इटेलियन मैथमेटिक्स था उसमें मैथमेटिशियन इसने क्या किया, इसको ऐसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस 4 है, माइनस 4 इंटू 2, और इसको फिर अपन सेपरेट कर सकते हैं माइनस 1 इंटू रूट ओवर 2, तो दिस माइनस 1 इज नोन एज द इमेजिनरी नंबर, और ये इटेलियन मैथमेटिशियन था इसलिए इसके नाम से हम इसको आयोटा बोलते हैं, है ना। और आयोटा से इसको हम आई, आयोटा का फर्स्ट जो लेटर है आई है, इसलिए अपन आई से डिनोट करते हैं, आई इज इक्वल टू रूट ओवर माइनस 1। सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आई, सो ये स्क्वायर रूट ऑफ इमेजिनरी नंबर हो गया प्लस माइनस 2 आई, ठीक है। तो ये जो वर्ड है हमारा आई, आई क्या है, दिस इज द इमेजिनरी नंबर, इसकी वैल्यू होगी रूट माइनस 1, है ना, इटेलियन मैथमेटिक्स वाज डिस्कवर दिस, और आई इक्वल टू माइनस 1। तो अब व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ, सो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ आई, सो आई इक्वल टू रूट ओवर माइनस 1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट माइनस 1 इनटू रूट माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, आई स्क्वायर आई क्यूब इज इक्वल टू
आई क्यूब इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू माइनस वन इंटू आई इज इक्वल टू माइनस आई आई रेस टू फोर इज इक्वल टू वन आई रेस टू फोर आई रेस टू फाइव इज इक्वल टू माइनस आई आई रेस टू सिक्स आई फोर इंटू आई स्क्वायर ठीक है आई फोर वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन तो इन जनरल I raise to 4n is equal to 1, I raise to 4n plus 1 is equal to I, और भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना? I raise to 4n plus 2, I raise to 4n plus 2 is equal to minus 1, ठीक है? तो means ये हुआ कि I raise to 4n is equal to 1, means अगर कोई भी power है, factor अगर 4 है, इसमें से मैं अगर बोलूँ कि find the value of I raise to 4000 तो कोई भी नंबर अगर 4 से डिवाइड होगा कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 4 है ना देन देयर वैल्यू वैल्यू नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन देयर I raise to 4 n इज विल बी 1 तो अगर यहां से अगर बोलो Y raise to 4000 मींस ये क्या है 4 into 1000 हो गया मींस ये 4 से डिविजिबल है तो डायरेक्ट आंसर कितना होगा अगर हम 4 से डिवाइड कर दें और रिमाइंडर अगर 1 आता है तो इसका आंसर आई होगा कैसे होगा देखो आई रेस टू 5 आई रेस टू 2 इंटू 4 प्लस 1 1 रिमाइंडर आ गया आंसर हम डायरेक्ट डाउन करते हैं तो ऐसे करके तुम डायरेक्ट आई का यूज कर सकते हैं ठीक है अब अपन आगे थोड़ा सा प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं ठीक है तो नाउ लेट डेट इक्वल टू ए प्लस आई बी द कॉम्प्लेक्स नंबर तो व्हाट इज द ऑर्डर पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर जब भी आप लिखेंगे ए और बी को आप राइट करेंगे और ये जो साइन है उसका जो आई है ये रिमूव हो जाएगा ठीक है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई सपोज दैट अदर एग्जाम्पल जेड इज इक्वल थ्री प्लस टू आई इज इक्वल टू थ्री टू Z2 equal to 3 minus 2y, 3 minus 2. Z3 equal to minus 3 minus 4y, minus 3 minus 2. Z3 equal to 1. 1 for this character written as 1 plus I into 0 is equal to 1, 0. Z is equal to 0. 0 plus I into 0 is equal to 0. So, all these are the examples of complex numbers. Okay? तो जीरो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ऑर्डर पे आप जीरो से जीरो जीरो वन इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पे फॉर दिस वन इज जीरो सो नाउ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन लेट जेड वन इज इक्वल टू ए वन प्लस आई बी वन Z2 is equal to A2 plus IB2. So, Z1 plus Z2, A1 plus IB1 plus A2 plus IB2. Okay? तो बहुत ही आसान है हम जब प्लस करेंगे तो देखो रियल पार्ट से प्लस हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट से प्लस हो जाएगा ओके ये देखो आई में कॉमन बाहर कर दिया फॉर एग्जाम्पल Z1 is equal to 3 plus 4i और Z2 is equal to 3 minus 6i. So Z1 plus Z2 is equal to 3 plus 4i plus 3 minus 6i is equal to 3 plus 3 is 6 plus 4 minus 6 minus 2i. बहुत ही आसान है देखो रियल पार्ट से प्लस हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट इमेज पार्ट से प्लस हो जाएगा जो आएगा सो दिस शोज दैट द सम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर ओके सेकेंड प्रॉपर्टी है सबट्रैक्शन 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 ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर Let Z1 is equal to A1 plus IB1, Z2 is equal to A2 plus IB2. So therefore, Z1 minus Z2 is equal to A1 plus IB1 minus A2 plus IB2.
So this is equal to a1 plus ib1 minus a2 minus ib. So a1 is subtracted from a2. तो जो रियल पार्ट है रियल पार्ट से सबट्रैक्शन होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट से. सो दिस इज रियल पार्ट आफ्टर इमेजिनरी पार्ट. सो दैट डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके ठीक है. जैसे एग्जांपल है एग्जांपल जेड वन इज इक्वल टू वन प्लस आई और जेड टू इज इक्वल टू टू प्लस आई. सो जेड वन माइनस जेड टू इक्वल टू वन प्लस आई माइनस टू प्लस आई इज इक्वल टू वन प्लस आई माइनस टू माइनस आई इज दिस वी कैन से इज इक्वल टू माइनस वन. तो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर सब डिफरेंस और इसी तरीके से जो नेक्स्ट है थर्ड है वो है प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन आते हैं कॉम्प्लेक्स. मल्टीप्लीकेशन आते हैं कॉम्प्लेक्स. थर्ड है तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते ए वन इंटू ए वन ए टू ए वन ए टू प्लस ए वन इंटू आई बी टू आई ए वन बी टू प्लस आई बी वन इन आई ए टू बी वन प्लस इंटू प्लस प्लस आई इंटू आई आई स्क्वायर बी वन. बट आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा माइनस वन. सो आई ए वन बी टू प्लस आई ए टू बी वन माइनस जो आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन. अब देखो रियल पार्ट से सेपरेट हो जाएंगे ए वन बी टू माइनस बी वन बी टू प्लस आई ए टू बी वन और माइनस बी वन. तो नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल है वो है डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हैं बहुत आसान है आप इसको बिल्कुल एग्जांपल में दिया है वेरीफाई कर सकते हो नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं. जैसे फर्स्ट है जेड वन प्लस जेड टू ये आ गया जेड टू प्लस जेड वन ये आपको हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना. ऐसे सेकेंड है जेड वन इंटू जेड टू जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री. ओके ये है एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ऐसे इसने सारी प्रॉपर्टीज मल्टीप्लीकेशन और एडिशन सबके लिए दिए हैं आप आराम से देखेंगे. जिससे भी नहीं बनेगा वो बिल्कुल आराम से मेरे पूछ सकता है अगर किसी भी इसको किसी भी इसमें प्रॉपर्टीज में डाउट है. अब मैं नेक्स्ट एक बार आपको बता रहा हूँ डिवीजन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर. सपोज दैट जेड वन इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर आई और जेड टू इज इक्वल टू थ्री माइनस फोर आई. सो जेड वन अपॉन जेड टू इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर आई अपॉन थ्री माइनस फोर आई इक्वल टू. जब कभी भी डिवीजन करना हो किसी भी नंबर का तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको जो रेशनलाइजिंग कर देंगे डिनोमिनेटर अगर हम इसको रेशनलाइज करते हैं रेशनलाइजिंग का डिनोमिनेटर. सो यू हैव थ्री प्लस फोर आई. देखो रेशनलाइजिंग क्या करना है सबको पता होना चाहिए ये जो माइनस है ना इसको अपोजिट साइड लेना है प्लस बना के आपको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना. थ्री माइनस फोर आई और थ्री प्लस फोर आई थ्री प्लस फोर आई ये हो गया रेशनलाइजिंग. अब यहाँ पर देखो इसके बाद इसको नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करो थ्री थ्री जो नाइन प्लस थ्री फोर जो ट्वेल्व प्लस फोर थ्री जो ट्वेल्व फिर प्लस इंटू प्लस सिक्सटीन आई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो नेक्स्ट स्टेप ट्वेल्व आई आई वाला देखो आई से ही प्लस होगा नाइन प्लस ट्वेंटी फोर आई और आई
स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी, तो ये माइनस वन इंटू प्लस सिक्सटीन इक्वल टू माइनस सिक्सटीन अपॉन थ्री स्क्वायर नाइन स्क्वायर फोर स्क्वायर सिक्सटीन आई स्क्वायर माइनस वन बाहर आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो नाइन माइनस सिक्सटीन माइनस सेवन प्लस ट्वेंटी फोर आई अपॉन ट्वेंटी फाइव और दिस इज इक्वल टू माइनस सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फोर आई अपॉन ट्वेंटी फाइव. So if suppose that this is a and this is b I, so the division of a complex number is again a complex number. The division of a complex number is again a complex number. So sum, this shows that, all this shows that the sum, addition, subtraction, multiplication and division are always a complex number. Okay, अब एक नया definition है मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स. लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन देयर मॉडुलस मॉड ऑफ जेड डिवाइड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव मॉड्यूलो. ओके फॉर एग्जांपल जेड इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर आई सो फाइंड मॉड ऑफ जेड. So mod of z is equal to root over 3 square plus 4 square equal to 9 plus 16 equal to root over 25 equal to 5. बहुत ही आसान है, हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं. ओके इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, देखो ये प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है mod of z 1 into z2 equal to होगा mod z1 into mod z2. सेकेंड mod z1 upon z2 is equal to mod z1 upon mod z2. Third, mod z, j mod z is equal to होगा mod z square. और fourth है, फिर third ही main इसके properties हैं, mod z अच्छा. So suppose यहाँ पर let z is equal to a plus ib. So conjugate of the complex number. Conjugate of the complex number is denoted by mod z. ठीक है, मतलब अगर कोई नंबर प्लस है तो प्लस आई को माइनस आई हम चेंज कर देंगे, उसको बोलेंगे कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना. बार जेड इज इक्वल टू ए माइनस आई बी, इसमें एक ढेरों प्रॉपर्टीज है. फर्स्ट है डबल बार जेड इज इक्वल टू जेड, सेकेंड है बार जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू बार जेड वन प्लस बार जेड टू, थर्ड है बार जेड वन माइनस जेड टू इज इक्वल टू बार जेड वन माइनस बार जेड टू, और फोर्थ है बार जेड वन अपान जेड टू इक्वल टू बार जेड वन अपान बार जेड टू, और फाइव है वन अपान जेड बार इक्वल टू वन अपान बार जेड. ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ही आसान है, सारे प्रॉपर्टीज को हम वेरीफाई ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, और एक पहला एक्सरसाइज जो है आपका 5.1 वो अपने आप सारे प्रॉपर्टीज से कंप्लीट हो जाएगा. एक लास्ट प्रॉपर्टीज और बता देता हूँ मैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. सो लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन देयर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज डिफाइंड बाय 1 बाय जेड इक्वल टू 1 प्लस ए अपॉन आई बी. ओके हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग कर देंगे डिनोमिनेटर का. सो ए माइनस आई बी और अपॉन ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी और दिस इज इक्वल टू ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस हम होगा वो माइनस सामने आएगा माइनस माइनस प्लस और बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस. So this is the multiplicative inverse of any complex number. ठीक है, और बार बार देख रहे हैं कि कोई भी प्रॉपर्टीज हम लगाएंगे लास्ट में आप आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएगा. ठीक है, तो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो एक्सरसाइज 5.1 सारा का सारा क्विज फंडामेंटल पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा. एक एग्जाम्पल इसको दे सकते हैं, एग्जाम्पल है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 4 आई 3 प्लस 4 आई. लेट जेड इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आई सो 1 बाई जेड इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड 1 अपॉन 3 प्लस 4 आई.
अब इसका अपने को क्या करना है, रेस्टाइजिंग कर देते, ठीक है, 3 - 4y यहाँ पर भी क्या होगा 3 - 4y कर दिया अपन, ठीक है। अब देखो 1 का इंटू करेंगे तो सेम रहेगा, नीचे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 4i / 9 और -16i² माइनस वन सामने आएगा, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, फाइनल आंसर 3 - 4i / 25। तो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4i। तो एक्सरसाइज 5.1 पूरा का पूरा आपको सॉल्व हो जाएगा, और किसी को भी अगर कोई डाउट है वो मेरे से पूछ सकता है। वीडियो देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं, उसको सॉल्व करके और आपको व्हाट्सएप में सेंड करना है। कुछ क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट इफ z1 इज इक्वल टू 3 + 4i, z2 इज इक्वल टू 3 - 4i, फाइंड z1 प्लस z2, z1 माइनस z2, z1 इंटू z2 और एंड z1 / z2, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे वीडियो देखने के बाद और सेंड करना है इसको, और जो भी डाउट होगा वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।